दोस्तों अभी हाल ही में स्मैकडाउन में आप सभी ने यह देखा ही होगा कि किस तरह से सोलो सिकोवा की न्यू ब्लड लाइन ने रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर इसमें ध्यान से देखें तो रोमन रेंस को धराशाही करने में सिर्फ और सिर्फ जेकब फाटू का ही सबसे बड़ा हाथ है। अगर उस दिन जेकब फाटू ना होते तो रोमन रेंस सोलो सिकोवा को तोड़ कर रख देते। इसीलिए आज की यह वीडियो रोमन रेंस और जेकब फाटू के बीच कंपेरिजन वीडियो होने वाली है। आइए देखते हैं कौन किस चीज में किससे आगे है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रोमन रेंस का असली नाम ली टी जोसेफ एनोई है और जेकब फाटू का असली नाम जेकब सैमुअल फाटू है। दोस्तों रोमन रेंस का जन्म 25 मई 1985 को पेंसाकोला फ्लोरिडा में हुआ था और वह अभी 39 साल के हैं। और वही जेकब फाटू का जन्म 18 अप्रैल 1992 में सान फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था, वह अभी 32 साल के हैं। दोस्तों अगर बात करें इनकी कंट्री की तो ये दोनों ही रेसलर अमेरिका के रहने वाले हैं। दोस्तों अगर इनके प्रोफेशन की बात करें तो रोमन रेंस एथलीट और एक्टर हैं और जेकब फाटू सिर्फ और सिर्फ रसलर ही हैं। दोस्तों अगर इनके एजुकेशन की बात करें तो रोमन रेंस ने कॉलेज किया है और जेकब फाटू सिर्फ स्कूल ही गए हैं। दोस्तों अगर इनके फादर की बात करें तो रोमन रेंस के फादर सिका अनोई है और जेकब फाटू के फादर सेम फाटू हैं। दोस्तों अगर इनकी बॉडी साइज की बात करें तो रोमन रेंस की हाइट 6 फीट 3 इंच है, 50 इंच की चेस्ट है और 120 kg के हैं। और वही जेकब फाटू की हाइट की बात करें तो 6 फीट 2 इंच की है, 52 इंच की चेस्ट है और 127 kg के हैं। दोस्तों अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो रोमन रेंस की नेटवर्थ 20 मिलियन यूएस डॉलर है और वहीं जेकब फाटू की 2 मिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों अगर इनके चैंपियनशिप बेल्ट जीतने की बात करें तो जेकब फाटू ने कई छोटी छोटी कंपनियों में जाकर चैंपियन जीती हुई है और वहीं रोमन रेंस ने WWE की हर एक चैंपियन जीती हुई है। बाकी दोस्तों आप सब कमेंट में बताना कि जब इनका मैच होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा।